ये देख लो भाई साहब, हम आपको बता रहे हैं तो आपको बताया कि ये पत्थर की, नहीं तो कोई देख के बता भी नहीं सकता। ये देख लो आप, पत्थर की चौखट लगी हुई है इसमें, एक बार लगाओ। 1200 साल को कब्जे भी लगे हुए हैं, गेट भी फिट है जी, और 10 इंची का अच्छा कॉन्सेप्ट है जी इसमें। 10 इंची लेने से क्या है, 9 इंची दीवार पे पूरी कवर कर लेती है उसको। जी जी जी। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आया हूं 500 किलोमीटर चल के गाँव मिंगनी खेड़ा में अंकित भाई के यहाँ, जो कि जिला हिसार हरियाणा में पड़ता है। ठीक है जी, आने का मकसद ये है, इन भाइयों ने भाई कमाल कर दिया और धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया। ऐसी चौखट बनाई है, ऐसे दरवाजे बनाए हैं भाई साहब, 200 साल कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, मैंने दरवाजों की वीडियो काफ़ी बनाई है, लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, इसी वजह से मैं 500 किलोमीटर चल के आया हूँ। आज की इस वीडियो में इनके दरवाजों में क्या खास बात है, पूरी जानकारी लेंगे। ये बनाते हैं भाई साहब संगमरमर के, आपने टाइल पत्थर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ये पत्थरों के दरवाजे बनाते हैं, खिड़कियां बनाते हैं, चौखट बनाते हैं। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। अंकित भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले हमें ये बताओ, ये यूनिक आइडिया दिमाग में कैसे आया, थोड़ा थोड़ा चलते चलते बात करेंगे जी। ये जी आओ दिखाते हैं आपको जी, किसका आइडिया था अंकित भाई? ये मेरे बड़े भाई का आइडिया था जी। अच्छा, राजवीर का जी, वो कहीं घूमने गए थे बाहर। हाँ। और वहाँ पे उन्होंने ये कॉन्सेप्ट देखा था जी जी, वो देखने के बाद उनको ये अच्छा लगा जी, तो फिर उन्होंने घूमते घूमते इसका रिसर्च की। रिसर्च करने से पता लगा कि ये तो अच्छी चीज है और हमारे एरिया में अभी तक है नहीं जी जी, तो फिर उन्होंने ये चालू करवाया था। सबसे खास बात, दीमक का झंझट खत्म, सीलन का झंझट खत्म। ये देखिए आप, ये लगी हुई है यहाँ पे सामने, ये पत्थर की है। ये पत्थर की है जी। कौन सा पत्थर है अंकित भाई, बताओ? ये जोधपुरी पत्थर है जी। देखो ये विदाउट पॉलिश तो ऐसा दिखेगा कुछ, ये देख लो जी, पॉलिश के बाद कुछ ऐसी ग्रेस आती है इसकी। ये देख लो भाई साहब, लकड़ी से क्या कम है, ये जोधपुरी पत्थर है जी। 10 इंची में, 10 इंची में, 10 इंची चौखट में है जी। ये आप देख लो भाई साहब, ये मैं दिखा दूँ आपको, ये पत्थर है ना, लकड़ी है ना, एल्यूमिनियम है ना, लोहा है, ठीक है जी। ये आप देख लो ना, स्टील है और ना ये जापानी शीट है, ये आप देख लो। लकड़ी से, लकड़ी से कितना सस्ता पड़ता है सर, परसेंटेज में बात करेंगे? परसेंटेज में ये लगाओ जी, लकड़ी के मुकाबले तो 50%। लकड़ी के तो बहुत महंगे महंगे दरवाजे आते हैं। हाँ वही तो, लकड़ी के मुकाबले तो 50% लेस है इसमें। बहुत ही बेहतरीन, ये आप देख लो जी। अच्छा सर, एक सवाल हमारा और है आपसे, ये अब सवाल पूछते रहेंगे और आप बताते रहना जी जी। जितने भाई घर बनाते हैं ना तो उनकी तरफ से मैं आपसे सवाल पूछूंगा। डबल पताम सिंगल पताम दोनों है? हाँ दोनों है जिसमें, दोनों कस्टमाइज है। अगर सिंगल बनवाना चाहो तो सिंगल, डबल चाहो तो डबल। अच्छा, अब मेरा दूसरा सवाल ये है अंकित भाई, जो ये पत्थर में ये आप कब्जे वगैरह लगाते हैं? हाँ जी हाँ जी। ये कैसे करते हो आप लोग? ये जी ये कब्जे लगे हुए हैं देखो जी, जी, जी पत्थर की चौखट में, ये ड्रिल से इसमें सुराख निकालते हैं हम। ये मिस्त्री भी आप राजस्थान वगैरह से लेके आए, क्योंकि यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है? ये राजस्थान की लेबर है हमारे पास जी 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 जी। ये क्या करते हैं हम, ये बनाने के बाद इसमें ड्रिल से सुराख करते हैं जी जी जी। ड्रिल से सुराख करने के बाद 1.5 इंची प्लास्टिक की गिट्टी लगाते हैं इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, सीधा सुराख करके और गिट्टी फंसा देते हैं, वो गिट्टी घूमती रहती है जी जी अंदर से। इसका ये तरीका नहीं है, इसका अलग तरीका है जी। इसका तरीका आप ड्रिल से सुराख करो जी, और जो 1.5 इंची आप प्लास्टिक की गिट्टी लगाओ ना, वो आप एरोडाइट केमिकल में बह के लगाओ उसको अंदर। अच्छा, 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 अच्छा। जो टाइल चिपकाने का एक केमिकल आता है एरोडाइट, उसमें बह के आप अंदर लगाओगे ना, तो वो गिट्टी अंदर जाके फिक्स हो जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। पत्थर तोड़ोगे तभी निकलेगी वो बात, बिल्कुल, अदरवाइज वो नहीं निकलेगी। फिर उसमें अपन 1.5 इंची कब्जे, ये होते हैं ना पेच जी जी, ये 1.5 इंची पेच खींच के कब्जे फिट कर दो, ये कहीं नहीं लेंगे ना ही कभी निकलेंगे। अच्छा अंकित भाई, ये कितने साइज में बन सकते हैं? ये कस्टमाइज साइज है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से 7 फुट 8 फुट 9 फुट जितना अच्छा। आपका दरवाजा लगाना चाहे उस हिसाब से बनवा सकते। अच्छा, दरवाजे भी हैं और खिड़कियां भी हैं? खिड़की भी, विंडो भी है देखो इसमें। अच्छा, विंडो है। हाँ जी, जो डिजाइन बोलोगे वो डिजाइन रेडी हो जाएगा। अच्छा, जैसा बोलोगे वैसा तैयार कर देंगे। जैसा बोलोगे, कमाल हो गया भाई। इसमें देखो स्टील की भी कोई इशू नहीं है, स्टील की ग्रिल भी लगा सकते हैं हम, शीशे भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा, शीशे भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, टाइमिंग की अगर बात करें आपके हिसाब से कितना चल जाए? बिल्कुल सही, ईमानदारी से। टाइमिंग तो जी देखो इनकी ऐसी है, आपने भी सुना होगा राजस्थान में जो किले बने हुए हैं राजा महाराजाओं के टाइम से, उनकी कोई लिमिट नहीं जी जी जी। वो हजारों सालों पुराने, जैसे उन्होंने बनाए थे वैसे वैसे आज खड़े हैं जी जी जी। जिनको हम देखने भी जाते हैं जी, बिल्कुल, घूमते हुए राजस्थान में जाते हैं तो उनको देखने भी जाते हैं जी जी। तो वही चीज है, इसकी कोई लाइफ नहीं होती,
मतलब 200-300 साल लाइफ टाइम वाला ही चीज है। दादा ने लगा दिया और पोते तक वो वाला है इसमें। बहुत ही बेहतरीन। अच्छा अच्छा, ये सारा अपना पत्थर है जी, अलग अलग क्वालिटी का है। अच्छा अच्छा, इसमें जो लाल दिख रहा है ये जोधपुरी है। अच्छा अच्छा, जो ब्लैक दिख रहा है वो ग्रेनाइट है। जी जी जी, एक जो ग्रे टाइप का दिख रहा है उस साइड। अच्छा अच्छा, वो अपना कोटा स्टोन है। ये कोटा स्टोन है। अच्छा, ये थोड़ा बताएंगे ये क्या कर रहे हैं? आइए दिखाते हैं आपको। ये देख लो भाई साहब, बहुत ही जबरदस्त चीज है भाई साहब। ये देखो मार्केट में नया कॉन्सेप्ट। हम पीछे से राजस्थान से इस टाइप से पत्थर लाते हैं ये। हाँ, इस साइज में। अच्छा अच्छा, और फिर ये मशीन लगा रखी है अपने यहाँ पे। जी 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 जी, ये ताऊ जी, और ये इसको उठाते हैं यहाँ से। हाँ, मशीन पे रखते हैं और जो साइज जो ऑर्डर आता है उस हिसाब से हम इस पे कटिंग करके, कटिंग होती है 5 इंची 10 इंची। जी जी, इस पे इसी मशीन पे कटिंग करते हैं, इसी पे पतंग फाड़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन, इसी मशीन से सारा तैयार करके 2 मिनट। ये देख लो भाई साहब, ऐसे हो बनता है, देख लो आप। अरे वाह बेहतरीन। आप देख सकते हैं यहाँ पे कटिंग हो रही है जी दरवाजों की। देख सकते हैं जी, ये पूरा कटिंग हो गया भाई साहब। जी विकास भाई साहब, ये देखो हमने यहाँ पे सारा माल कटिंग कर करके लगा रखा है जी। जैसे ये देखने से आपको थोड़ा समझ में आएगा, ये डबल पताम है। अच्छा, इसके हम दोनों साइड गेट लगा सकते हैं चौखट पे। अच्छा अच्छा, और ये है सिंगल पताम। जी जी, इस पे एक साइड गेट लगेगा, एक ही पताम पड़ रखी है इसमें हमने। और दूसरी साइड ये मोल्डिंग कर रखी है। ये मोल्डिंग कर रखी है। हाँ, क्योंकि कूना जो इसका है चौखट का वो टूटे ना। अच्छा, और नर बना रहे। इस मशीन से सारा काम हो जाता है? इस मशीन से यहाँ पे सिर्फ कटिंग और पताम का काम है। अच्छा अच्छा, उसके बाद हम बाहर ले आते हैं उठा के पत्थर ऐसे। अच्छा, यहाँ पे फिर जो कारीगर है वो तैयार करता है इसको, चौखट को फिटिंग। अच्छा, करता है इसकी मेहनत का बहुत काम है वैसा। मेहनत का बहुत ज्यादा काम है जी। जी जी जी, और धीरे धीरे करने वाला काम है, जल्दबाजी नहीं कर सकते, नहीं तो टूट जाएगा। हाँ, ये आप देख लो, मैंने काट के लिया है यहाँ से। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं, ये रखा हुआ सब सिस्टम। और ये हमारा कारीगर है जी, राजस्थान से ला रखा है हमने। ये करमवीर नाम है इसका। अच्छा हाँ, ये ही फिटिंग करते हैं यहाँ पे बैठ के। अच्छा अच्छा, ये फिटिंग। एक दरवाजे को बनने में कितना टाइम लग जाता है अंकित भाई? एक दरवाजे को बनने में लग जाता है जी, ये मान के चलो 2-3 घंटे लग जाते हैं। 2 से 3 घंटे। और ये क्या बन रहा है? ये विंडो बन रही है। ये विंडो है जी, बना के रेडी कर रखी है। अच्छा अच्छा, जोधपुरी पत्थर की विंडो है ये। बहुत बढ़िया है। हाँ जी, ठीक है अंकित भाई। हाँ जी हाँ जी, यहाँ तो मुझे लगता है आपने कम से कम 50 से 60 घरों में दी है। अगर आप दिखाना चाहें लगने के बाद ये कैसी लगती है? आ जाओ जी, देखें अपने बिल्डिंग में लगी है ऊपर। अच्छा, अपने घर में लगा रखी है। हाँ जी हाँ जी, ये बढ़िया है। बोला कहीं जाना है नहीं भाई, हमने भी लगा रखी है। हाँ जी, ये मत सोचना कि भाई हमने लकड़ी की लगाई और दूसरों को पत्थर बेच रहे हैं। नहीं नहीं जी, पत्थर की लगा रखी है हमने ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ आपको दिखा दे, देख लेते हैं। गेट भी लगा हुआ है, सब कुछ फिटिंग कर रखी है। ये अपना मकान ही है यहाँ पे? नहीं, ऑफिस है जी अपना। अच्छा, ऑफिस है जी। हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया। देख लो भाई साहब, कितना शानदार ऑफिस बनाया अंकित भाई ने, बहुत ही बेहतरीन। चलिए हम आपको लगी हुई भी दिखा देते हैं जी। देख लो, बहुत ही बेहतरीन ये ऑफिस बना रखा है जी हमने यहाँ पे। ये पूरा ऑफिस का सेटअप, बहुत बढ़िया ऑफिस है, सुंदर बनाया है बहुत। ये पूरा ऑफिस का ही कॉन्सेप्ट है ये अपना, पूरा ऑफिस है ये। वैसे तो बाकी ग्लास के गेट लगा रखे हैं ना। जी जी जी, इसलिए इनमें तो लगाया नहीं हमने। हाँ हाँ, इस गेट में लकड़ी का है तो इसमें हमने चौखट लगा रखी है पत्थर की। देखो ये पत्थर की चौखट है। हाँ जी हाँ जी, ये देख लो भाई साहब, हम आपको बता रहे हैं तो आपको पता है कि ये पत्थर की, नहीं तो कोई देख के बता भी नहीं सकता। ये देख लो आप, पत्थर की चौखट लगी हुई है इसमें। एक बार लगाओ, 200 साल तो कब्जे भी लगे हुए हैं, गेट भी फिट है जी। और 10 इंची का अच्छा कॉन्सेप्ट है जी इसमें। 10 इंची लेने से क्या है, 9 इंची दीवार पे पूरी कवर कर लेती है उसको। जी 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 हाँ, पूरी फेस में आती है ये, आप देख सकते हैं। ये देखो जी, गेट हम आपको बंद करके आराम से फिट गया। ये देखो जी फिट, बहुत ही बढ़िया।
ये आप देख सकते हैं, ऊपर से हम आपको इनकी पूरी कंपनी दिखा देते हैं। ये ऑफिस है भाई साहब इनका, ये आप देख लो, ये देख सकते हैं। ये पीछे अपने पोल्ट्री का काम है, ये पोल्ट्री का काम है। अच्छा अंकित भाई, अब हमें आप ये बताओ, हाँ जी, अगर कोई लेना चाहता है तो उसके लिए क्या नियम शर्त हैं? इसकी नियम शर्तें तो क्या है जी, इसमें हमारा कहने का यही है जी, आओ एक बार आके हमारे यहाँ विजिट करो। अच्छा, आके देखो, पत्थर पसंद करो। हाँ, और फिर हम पहुँचवा देंगे, आप जहाँ बोलोगे वहाँ, जहाँ बोलोगे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है। अच्छा, एक सवाल और है किसान भाइयों की तरफ से। हाँ जी, हाँ जी, कोई अगर इसको लगाना चाहते हैं पहले या बाद में? इसमें देखो जी, दोनों ऑप्शन है हमारे पास। हाँ, हम इसको पहले भी लगा सकते हैं। हाँ, और जब प्लास्टर का टाइम आए पूरा काम होने के बाद बिल्डिंग का, फिर भी लगा सकते हैं। लेकिन इसमें मैन तो यही है कि अगर साथ ही साथ लगाए ना तो फिटिंग भी अच्छी आएगी और बाद में ग्रेस भी अच्छी आएगी। अच्छा, कुछ लोग क्या है ना, वीडियो देख ली विकार भाई की, बहुत बढ़िया चीज है। हाँ जी, जो बीजे बीज जाते हैं ना लकड़ी, उनको हटाओ। हाँ हाँ, तो उसके बाद भाई लगवाते हैं तो हो जाएगा? हाँ, उसमें भी हो जाएगा। तो मिस्त्री आप यहीं से भेजते हो? नहीं, मिस्त्री जो चिनाई वाला मिस्त्री होता है ना, उसको समझा देते हैं। हाँ, वही कर देता है, ऐसी कोई अलग से कोई तरीका, रॉकेट साइंस नहीं है मतलब। अच्छा, वही जो नॉर्मल मिस्त्री है, जो घर बनाएगा, मकान बनाएगा, वही लगा देगा। चलो आपके यहाँ हिसार से तो आसपास आके ले लेंगे लकड़ी, और जापानी के मुकाबले रेट में सस्ती है और लगाने में फिटिंग में भी आसानी है। अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा ठीक है, उनके मुकाबले आसानी से लगेगी। रेट ऊपर नीचे बताना चाहे तो भाई, अप्रोक्स इतना पड़ता है रेट? ये मान के चलो जी, एक चौगठ का अगर 5 इंच में लेते हैं ना, तो ये 1600-1700 रुपए चौगठ पड़ती है। 1600-1700 रुपए चौगठ है, 5 इंच? सही तो है, सही है जी, जापानी के मुकाबले तो बहुत सस्ती है ये। जापानी तो हल्का रहता है। दूसरा इसमें मजबूती भी है जी, जी, ना ही जंग लगने का खतरा, ना ही दिमक का। अच्छा, अब आपसे अगर डीलर जुड़ना चाहे तो कुछ मतलब उनके लिए अलग से? डीलर के लिए जी, हमने यहाँ पे हमारे एरिया में 15-20 डीलर तो हमने जोड़े हैं, अभी नया काम चालू किया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो 20 डीलर तो हमने जोड़ रखे हैं। और भी अगर कोई भाई जुड़ना चाहे तो नंबर आप डिस्प्ले पे डाल देना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, धन्यवाद आपका। ओके जी, विकास जी। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हमने आपको दिखाई ये अलग तरह की पत्थर की खिड़कियां दरवाजे। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपका पैसा भी बचेगा, आपका टाइम भी बचेगा, और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। धन्यवाद।